मेरा नाम सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम विश्वनाथ राजपुरी है और मैं सॉन्ग राइटर हूं और काफ़ी पहले से मैं लिख रहा हूं गाने। और हमारे सामने एक कलाकार मिले, इनका नाम है बीर सिंह और ये बहुत उम्दे क्लास के सिंगर हैं और हर तरह की विधा है इनके अंदर। क्लासिकल है, फोक है, बॉलीवुड का स्टाइल है, मतलब सब इनके अंदर। मैंने देखा तो सोचा कि कुछ इस लड़के से कराना है मुझे जी। तो आजकल तो देख ही रहे हैं, मॉडर्न बनने के चक्कर में बहुत लोग अपना रास्ता भी भटक जाते हैं। तो हम हमेशा कुछ करते तो रहते हैं, क्योंकि मार्केट में रहना है तो सब करना है, क्योंकि वो रोजी रोटी का सवाल है जी। लेकिन फिर भी अपना रास्ता हम नहीं भटकते हैं जी। रास्ता एक ऐसी गीत, होली में भी एक ऐसी गीत हम गवाए हैं जो ब्रज होली जिसे हम लोग कहते हैं, परंपरा से हमारी गाते हैं, मतलब करोड़ों सालों से ये गाते हम लोग आ रहे हैं। उस गीत को मैंने इनसे गवा है और इस गीत से मुझे बहुत उम्मीद है कि मेरी गीत ये सुपर डुपर हिट होगी और ये इसी के साथ विकास जी का नया मार्केट में एक ऐसा अपना प्लेस बनेगा जो काफ़ी लंबे समय तक ये चलेंगे। विकास, बताइए कैसा अनुभव रहा, क्या गाने का बोल हैं और किस तरह का अनुभव रहा आपको, कितने साइड इसको लेके आप? सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मैं वीर सिंह
और मैं सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं सबको मैं दर्शकों को श्रोताओं को प्रणाम करते हैं, बोलो, सबको नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और सब सौभाग्य की बात है कि मुझे सर मिले और इतना अच्छा गीत लिखे हैं कि मैं क्या कहूँ। बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। इन्होंने इतना अच्छा लिखा है कि बहुत देर से लिखा है और हमने बेहतर ढंग से है, ये हमने कोशिश किया है कि मैं और अच्छे से निभा पाऊँ। और सबका प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए और दिल से गाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि दो लाइन कुछ गा के सुनाऊँ। मधुबन में होरी खिलत ब्रिज बाला, मधुबन में होरी खिलत ब्रिज बाला, भीजत गैया भीजत ग्वाला। ये सॉन्ग भीजत गैया भीजत पतैया भीजत बीरज बाला, मधुबन में होरी खिलत ब्रिज बाला, मधुबन में होरी खिलत नंदलाला। इसके अलावा और कोई काम कर रहे हैं आप? हाँ, इसके पहले मैंने टीसीएस के साथ वर्क किया है। हमने एक भक्ति हिंदी सॉन्ग किया था, नवरात्रि बेला है, वो हमने साधना सरगम के साथ गाया था और तृप्ति साक्षात के साथ गाया था। वो लोग साधना सरगम जी बॉलीवुड की बहुत बड़ी सिंगर है और आगे भी मैं कुछ गाने कर रहा हूँ। अभी मेरा नेक्स्ट अभी रिसेंट में सॉन्ग लॉन्च हुआ है, कॉकटेल बॉयज़ वर्ल्ड वाइड कंपनी से लॉन्च हुआ है। तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है और इसका वीडियो भी शूट किया था, बहुत अच्छा चल रहा है वो मार्केट में। और अभी फिल्मों के लिए कुछ गाने कर रहा हूँ बॉलीवुड के लिए। और अभी सर लोग का आशीर्वाद रहेगा तो अपने जो भोजपुरी का अभी अपने माटी का तो मैं गाऊंगा ही, क्योंकि मैं भी बनारस का रहने वाला हूँ। मैं भी यूपी से हूँ, बनारस से रहने वाला हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि जो हम लोग के वहाँ के फैंस लोग हैं तो अपना प्यार दुलार दें। और बिहार से मेरी मम्मी भी है आरा से, तो मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं भी भोजपुरी गाऊँ। और अगर माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद रहेगा और सबका साथ रहेगा तो फिर अच्छे से और वर्क करेंगे। आगे मैं दो भोजपुरी फिल्म कर रहा हूँ, तीन कर रहा हूँ बल्कि। एक पिक्चर है जवानी की रेल कहीं छूट ना जाए, अच्छा, वो कल्लू उसमें हीरो है। और दूसरी पिक्चर कर रहा हूँ ये आपका संयम समरकर है, जिसमें प्रमोद प्रेमी हीरो है। और काफ़ी प्रोजेक्ट है, ऑडियो वीडियो सब चलते रहता है। एक और पिक्चर, एक और मूवी है काहे हम प्यार कहीं, तो तमाम पिक्चरों का काम अभी चल रहा है। सर, आई हैव वन क्वेश्चन। जी जी। जिस तरह से आपने गीत के बोल लिखे हैं, जी जी, काफी अच्छे हैं, हमने सुना भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हमें लगता है कहीं आप लोग जो है लीक से हटकर तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से फुहरता परोसी जा रही है गीतों में, उस तरह से लगता है आप लोग अलग वे पर जा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं लगता है? सर, मुझे तो नहीं लग रहा है, चूंकि हम उसी का कद्र किए हैं। क्योंकि कुछ लोग जल्दी ये समझते हैं कि हम कुछ फुहर कर देंगे तो जल्दी मार्केट में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी गीतों को गाकर भी आप मार्केट में स्थापित हो सकते हैं, ये मेरा विश्वास बोलता है। और इसीलिए मैं कभी इस रास्ते से भटकता नहीं हूँ, करता तो सब हूँ लेकिन अपना वो रास्ता जरूर रखता हूँ जो हमारे परंपराओं से जो चली आ रही है। उस परंपरा को चूंकि जानते हैं हम सभी जानते हैं कि नया करने के चक्कर में मकान के नींव को हम ऊपर नहीं कर देंगे। मकान का नींव जब रहेगा तो नीचे ही रहेगा, तो हम अपने नींव को नहीं छोड़ते हैं। और नींव के आगे जो भी खेलना है मॉडर्न हम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी एक रास्ते से और एक जो पहले से हमारे अंदर जो एक दिया गया है, जो संगीत जिसे कहते हैं, उसको मैंने आज के भी लड़कों के, बच्चों के और श्रोताओं के, दर्शकों के सामने रखने का प्रयास किया हूँ। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मुझे दर्शकों का अपार प्यार मिलेगा। हाँ सर, क्यों नहीं। एल्बम का नाम है मधुबन में होरी खेलत। हाई लगा लिखा भैया, घाटा दी, अच्छा लगी। मधुबन में होरी, बस मधुबन में होरी, मधुबन में बहुत नया हट के है एकदम। मधुबन में चलिए बोली से जी। नमस्कार, मैं हूँ सिंगर रैपर विजय राज यादव और आज मेरे गुरुजी का एक होली सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ यहाँ पे, तो इन्होंने मुझे बुलाया है, काफ़ी अच्छा लगा सुन के। और भाई सिंगर वीर सिंह जो गाया है, बहुत ही शिद्दत और बहुत ही मेहनत करके गाया इस सॉन्ग को, बहुत जिन्होंने
मेरे गुरु जी जो लिखा हुआ है सॉन्ग उनको चार चांद लगा दिया इन्होंने, और बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है अभी तक मुझे लगता है। होप कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो होली के जो फुहरता है जो जिन्होंने अभी दिया है वो बहुत ही कमाल का और बहुत ही लाजवाब उमदा सॉन्ग है ये। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है, जबकि मेरा जॉनर नहीं है, मेरा जॉनर रैप है, मेरे दर्शक जानते हैं, आप सब जानते हैं, और स्टार्टिंग से जिन इनका जॉनर नहीं है, बट इन्होंने मुझे उस जॉनर में मुझे हम साथ में जब काम कर रहे हैं बहुत ही कमाल रैप लिखा है उन्होंने, जो भी मेरी रिलीज पे है बबुनिया जिला में बाड़वे गो पीस सैटरडे नाइट पी के टाइट, सब इनका देना है, इन्होंने ही लिखा हुआ है, और आगे भी हम लोग काम करने जा रहे हैं, उसका भी एक अतरंगी ही टाइटल है, बट गाने सब अच्छे होंगे। तो आपके जो गाने हैं उसके दो बोल गुनगुना दीजिए जी। मेरे अभी जो बबुनिया जिला में बाड़ी गोपी जो रिलीज पे है उसका है कि रात सुनाता हूँ, गोरे गोरे गाल तोहर लागे बेमिसाल हो, काले काले घुघराले रेशम जैसे बाल हो, ढोलक के ताल जैसे गोरी तोहर चाल हो, जान मारे हाय तोहर होटलाले लाल हो, होटलाले लाल हो, मटकत कमर तोहर करेले कमाल हो, देखी देखी दिल के हमरा होता बुरा हाल हो, मजबूत टाइट तोरा बॉडी के दीवाल हो, स्वीट स्वीट बोली सुनी मन होला बेहाल हो, इस टाइप का रैप है उसका। अंतर है मुखड़ा है, कमर के नीचे तोरा लटका ला केस हो, फिल्मी हीरोइन ले खाला गे तो हो ड्रेस हो, कमर के नीचे तोरा लटका ला केस हो, फिल्मी हीरोइन ले खाला गे तो हो ड्रेस हो, आला ले गाल तो हर लागे किसमीस, बबुनिया जिला में बाड़ू हो तू ते गोपीस। ये गाना है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो मेरे जिला में एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, इस गाने का थॉट है, और बहुत ही प्यार से इन्होंने लिखा है, कमाल लिखा है इन्होंने जी। बताइए अपने ये गुरु हैं। ये हमारे दो शिष्य हैं और भाई भी हैं, विजयराज जी और वीर सिंह जी, और दोनों में अपार संभावनाएं हैं और प्रतिभाएं हैं, और इन दोनों को लेकर के हमें कुछ करना है, वो जज्बा है दिल में, आगे आगे सब कुछ सामने आएगा, सब लोग देखेंगे, सब सुनेंगे, और दर्शकों से भी हम आशा उम्मीद जरूर रखेंगे कि दर्शक हमें प्यार देंगे, अवश्य देंगे। बाकी मैंने क्या जानना चाहते हैं बताइए, बस विजय की तारीफ के बारे में बता दें। विजय राज जी एक्टर एंड सिंगर हैं, और वीर सिंह जी भी एक्टर एंड सिंगर हैं, और ये दोनों उम्दे ढंग के कलाकार हैं, और काफ़ी ये आगे बढ़ेंगे ये लोग, और मेरा आशीर्वाद इन लोगों के साथ है जी। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा अभी, और मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक एक ऑडियंस के लिए और एक जो हमारे बड़े स्टार हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक बड़े स्टार के लिए और ऑडियंस के लिए भी है। सबसे पहले ऑडियंस को बता दूँ कि गाइस ऑडियंस आप लोग अगर अच्छा सुनेंगे तभी हम लोग अच्छा कर अच्छा पाएंगे, अगर आप अच्छा नहीं सुनेंगे तो अच्छा नहीं कर पाएंगे। मेरे जितने भी ये भोजपुरी अड्डा और जितने भी हमारे ये बॉलीवुड अड्डा जितने भी चैनल्स को देखते हैं उन सब दर्शकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन विनती है कि प्लीज़ आप लोग अच्छा सुनिए ताकि हम लोग अच्छा बनाएं और अच्छा जोनर का। और ये बड़े स्टार जो बोलते हैं कि फुहरता हटाऊंगा ये करूंगा, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है, सर किसी ने कुछ नहीं किया है, रोज़ बोलते हो लेकिन खुद ही आप लोग गंदा किए हो इंडस्ट्री को। बाकी नए लड़के आते हैं उनको आप लोग चांस नहीं देते हो, उनका कॉपी करके दुनिया करके दारी करके आप इस टाइप से अपना नाम दे देते हो। सो प्लीज़ आप लोग बड़े स्टार हो ना, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, ना ही आपके पास पहचान की कमी है, ना ही आपके पास वर्कर का कमी है, आपके पास सब कुछ है। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत करिए और अपना क्रिएशन दिखाइए, जहाँ जिस लेवल पे हो उस लेवल को और ऊपर ले जाए और अच्छा काम करिए। बड़े स्टार से यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच।